नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं किसी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हालात विपरीत हो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। इसकी क्या वजह रही, इस पर मंथन का लंबा दौर चला जो अब आखिरी चरण में है। आज मैं इस खबर पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का हर अपडेट आपको बताऊंगा। इसके साथ ही होगी खबर उन तीन बयानों की जिसके सेंटर में है मुसलमान। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासत गर्म है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां लाडला बड़ा खेल करने वाला है। जी हां, लाडला। दरअसल एकनाथ शिंदे ने लाडला भाई नाम से एक योजना पर काम शुरू कर दिया है जिसने उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक की पार्टी की नींद हराम कर दी है। साथ ही होगी बात जॉब पर रौब गांठने वाले उस फैसले की जिसका वास्ता कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से है, जिसने निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन की तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जिसकी हर हलचल पर पूरे देश की नजर है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें आने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। 10 विधानसभा सीटों को अपनी झोली में डालने के लिए उन्होंने अपने 30 मंत्रियों को बड़ा टास्क सौंप दिया है। इसे योगी का सुपर 30 प्लान कहा जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बड़ी मीटिंग की तो सियासी माहौल गर्मा गया। तेज होती अटकलों के बीच 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रोड मैप सामने आया। सुर्खियों में आ गई सीएम योगी की सुपर 30 टीम। मुख्यमंत्री ने कुल 30 मंत्रियों के कंधे पर सभी 10 सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मीरापुर विधानसभा सीट के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को कमान सौंपी गई है। खैर एससी सुरक्षित सीट के लिए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री संदीप सिंह को खास जिम्मेदारी दी गई है। करहल सीट के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ ही राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। सीसामऊ सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर एससी सुरक्षित सीट के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। वहीं कटहरी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर संजय निषाद के साथ ही राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र को सीएम योगी ने प्रभारी बनाया है। मझवा सीट के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ ही रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। यानी कुल 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्रियों की टीम बनाकर सभी 10 सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने कमर कस ली है। मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और 10-10 जीतना है इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। संगठन की शक्ति से तो कोई पार्टी नहीं खड़ी। ये जो सरकार और संगठन में जो तलवारें खींच गई हैं अलग अलग, इस पर सहयोगियों पर क्या असर पड़ा है? हमारे हिसाब से तो कहीं संगठन और सरकार में कोई तलवार नहीं खींची है, सब मिलके है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना हुआ है। सीएम योगी ने 30 मंत्रियों के कंधे पर ये जिम्मेदारी तब डाली है जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर किया गया एक पोस्ट सुर्खियों में है। केशव मौर्य ने जो बात बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने भाषण में कही थी वही बात बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोहरा दी। केशव मौर्य ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं।
दिलचस्प बात ये भी थी कि मुख्यमंत्री योगी की मंत्रियों वाली बैठक में संगठन से कोई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल नहीं था, जबकि महामंत्री संगठन धर्मपाल लखनऊ में ही थे। सीएम योगी ने ये सुपर 30 टीम तब बनाई है जब पार्टी के भीतर ये बात लगातार उठाई जा रही है कि सरकार जमीनी फीडबैक के बगैर काम कर रही है और 2027 चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि समय रहते कड़े और ठोस फैसले लिए जाएं। बीजेपी के अंदर बची हलचल पर विरोधी जमकर चुटकी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक ही समय में देखा था जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। देखिए इस बीच सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। सीएम योगी के ऑफिस के मुताबिक ये शिष्टाचार भेंट थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को स्वतंत्र वीर सावरकर की किताब 6 स्वर्णिम पृष्ठ भेंट की। इससे पहले सीएम के राज्यपाल से मिलने को लेकर भी अटकलें थी, लेकिन अनुमान की तीरंदाजी करने वालों के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। इन सब के बीच दिल्ली में भी कुछ मुलाकातें चर्चा में रही। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस दौरान यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी बात हुई, साथ ही अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी मंथन की खबर आ रही है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो अपने फीडबैक में भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार के लिए राज्य के प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, इसकी वजह से चुनावों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम हुई। बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशासन ने बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे। अभी भी भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इतने मंथन और मुलाकातों के दौर के बाद भी कोई बड़ा नेता कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं कह रहा है। बढ़ते आगे और अब बात दिन भर में आए 3 ऐसे बयानों की जिनके कई मायने निकाले जा सकते हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा। वजह है इनका मुस्लिम कनेक्शन। पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। दूसरा बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने दिया और तीसरी बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। इसने इंडिया गठबंधन को हमले का बड़ा मौका दे दिया है। एक एक कर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के बयान सामने आए और तीनों के बयान के सुर आपस में मिलते जुलते नजर आए। मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा है। बोलो जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संकलगु मोर्चा। अगर ये आजादी के समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता आज तौकीर राजा जन्म ही नहीं लेता। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% हम जिला की जिला खो चुका है। कोई पर्देदारी नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई संकोच नहीं। एक एक कर 3 नेता बोले, जो कहा 2 टूक कहा। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है? हम यो बोले छे राष्ट्रवादी मुस्लिम, अपनारा बोले छे सबका साथ सबका विकास। आर बोलबो ना, बोलबो जो हमारे साथ
हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संकलगु मोर्चा। अगर ये आजादी के समय सारे मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज तौकीर आजाद जन्म ही नहीं लेता। ये जो कुछ रह गए जो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से नहीं रहा, मैं कहता हूं उस समय के मौलाना ने साजिश के तहत इन्हें रोका कि आने वाले दिन में फिर भारत में हम शरिया कानून और गजवाए हिंद की सोच रखेंगे। मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है, 1951 में 12% था। हम जिला की जिला खो चुका है, तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। कहने को तो शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर तंज किया, जबकि गिरिराज सिंह यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर जवाब दे रहे थे और हेमंता बिस्वा शर्मा असम की डेमोग्राफी यानी आबादी वृद्धि के बदलाव पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो कहा वो बात विपक्ष को चुभ गई। भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में 400 पार के सपने के ध्वस्त होते ही अपने मूल स्वरूप में निकल आई। अब कहां गया इनका सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास सबका साथ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, आ गए हिंदू मुसलमान पर, आ गए अपने कोर एजेंडे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है। जब से उनको 2024 की पराजय का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ताश पे बने हुए महल की तरीके से है, जो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का जनमानस में कहीं भी इकबाल नहीं रह गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सफाई दी है। शुभेंदु ने कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैंने आम लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में नहीं बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ हूँ। देखिए, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं की जेब में रुपया डालने के एक दांव ने विपक्ष की नींद हराम कर दी है। फैसला एकनाथ शिंदे सरकार का है, जिसने लाडला भाई के नाम से एक स्कीम का ऐलान किया। अब इस पर विपक्ष पाई पाई का हिसाब वसूलने की तैयारी में है। लाडले बेरोजगारों को पैसे कब मिलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस फैसले को सुर्खियां खूब मिल रही। कई लोग मना ले लड़की बहन तक के लड़का भाग चुका है। भाई गिरी वाला मास्टर स्ट्रोक और महाराष्ट्र की राजनीति में मच गई खलबली। चुनावी मौसम में महाविकास अघाड़ी की उम्मीदों पर बुलडोजर चलाने के लिए महायुति सरकार ने लॉन्च कर दिया है लाडला भाई। ये नाम लोक लुभावन योजना का है, मकसद है पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की जेबें भरना। आता जो 12वी झाला आहे त्याला 6,000, डिप्लोमा झाला आहे त्याला 8,000, डिग्री झाला आहे त्याला 10,000 रुपये महिन्याला, आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथे नोकरी लागेल, आणि ट्रेंड असं अतिशय स्किल्ड मॅनपॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। महाविकास आघाडी महाराष्ट्र में बेरोजगारी के जिस मुद्दे पर एनडीए को घेरने की तैयारी कर रही थी, शिंदे ने उसे एक ऐलान से न्यूट्रलाइज कर दिया। यही वजह है कि अघाड़ी के दिग्गज आपे से बाहर हैं। अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई? चुनाव आ गया तो लाडली बहन, लड़ला भाऊ, भाई, ये होता रहता है। पैसा स्टेट का होता है और ये एक जरिया होता है वोट खरीदने का, सरकारी पैसे से अधिकृत तौर। महाराष्ट्र के ऊपर 8,00,000 करोड़ का कर्जा है, अब कहां से लाएंगे पैसा? संजय राउत को मैं इतना ही कहूंगा कि चोर मचाए शोर, आज वो चुनाव हारने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब लोगों को मिलने वाले फायदे से इनके पेट में दर्द हो रहा है। शिंदे सरकार की लाडला भाई योजना का भी सिर्फ ऐलान भर हुआ है, योजना लागू नहीं हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जितनी तेजी से इसका मरसिया पढ़ रही है, उससे विपक्ष की बेचैनी खुलकर समझी जा सकती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि इस योजना का फायदा किसे होगा और कितना होगा। महाराष्ट्र सरकार की योजना 18 वर्ष से
35 साल तक के युवाओं के लिए है। ट्रेनिंग के दौरान 12वीं पास युवाओं को 6000 रुपए दिए जाएंगे। आईटीआई और डिप्लोमा कर चुके युवाओं को हर महीने 8000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को हर महीने 10000 रुपए दिए जाएंगे। सवाल है कि स्कीम पर कितना खर्च आएगा और क्या महाराष्ट्र सरकार इसका खर्च उठाने लायक है। महाराष्ट्र सरकार पर कुल करीब 7,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह रकम महाराष्ट्र सरकार के जीडीपी का 19% अनुमान के मुताबिक लाडला भाई योजना पर सालाना 11,938 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पैसा कहां से आएगा, किस मद से आएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अब बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। तकनीक के क्षेत्र में देश की तरक्की की बात हो तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का ख्याल आता है। वहां आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें पूरे देश के युवा नौकरी करते हैं, लेकिन कर्नाटक की निजी कंपनियों में अब जन्म की जगह पूछकर नौकरी दी जाएगी। वहां की कांग्रेस सरकार प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू करने जा रही है। बीजेपी तो इसका विरोध कर रही है। कर्नाटक में उद्योग धंधे चलाने वाले भी नाराज हैं। एक्स पर कर्नाटक के सीएम के इस पोस्ट की जीवन रेखा 24 घंटे से भी कम रही और प्राइवेट कंपनियों के ग्रुप सी और डी के पोस्ट पर राज्य के लोगों के लिए 100% आरक्षण के ऐलान की उम्र उससे भी छोटी निकली। लेकिन हम आपको इस लापता हो चुके पोस्ट के मजमून की सबसे महीन बात बता देते हैं। राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में कर्नाटक के लोगों को प्रशासनिक पदों पर 50% और गैर प्रशासनिक पदों पर 75% आरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। कंपनियों को ग्रुप सी और डी में 100% आरक्षण देना होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और 17 जुलाई को ये उनकी टाइमलाइन से गायब हो गया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद सीएम साहब का नया पोस्ट सामने आया। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों पर 50% स्थानीय लोगों को और गैर प्रशासनिक पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में 100% आरक्षण की बात नदारद है। सूत्रों का दावा है कि ये बात ड्राफ्ट बिल से भी गायब है। फिर भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कन्नडिगा फर्स्ट यानी कर्नाटक के लोग सबसे पहले का नारा बुलंद कर प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का बड़ा दांव चल चुकी है। बीजेपी इसके विरोध में है। There was a demand of Kannadigas, Karnatakians, to have some reservation in private industries. We have decided to bring this bill and we are planning to place this during this session itself. The intention is to see that Kannadigas get employment. As regards merit is concerned, we all know Kannadigas are merited people and I think industry will appreciate this. Any small inconvenience come, we'll overcome. Only political drama, loot government, corrupt government, this government should have resigned, the chief minister should have resigned, is facing lot of allegation just to cover up, is coming with all these things. बीजेपी के विरोध को कांग्रेस भले ही विपक्ष का गतिरोध बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सिद्धारमैया सरकार का यह फैसला उद्योगपतियों को भी रास नहीं आ रहा। बहुत नुकसान होगा कर्नाटक को, कन्नडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु, जाएंगे तेलंगाना, जाएंगे क्यों आएंगे इधर? देखिए, कर्नाटक सरकार नौकरी में आरक्षण की शर्त लगाई तो पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने बड़ा ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में उद्योगपति आए और बिना शर्त के निवेश करें। वैसे आपको याद दिलाते चले कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन का जैसा कानून कर्नाटक सरकार अब ला रही है, वैसा ही कानून 2020 में हरियाणा सरकार भी लाई थी। लेकिन यह मामला अदालत में पहुंचा और पिछले साल नवंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। देखिए, हाथरस हादसे की याद तो आप सबको होगी। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी लोगों के घाव अब तक नहीं भरे। लेकिन आज सूरजपाल जाटव उर्फ स्वयंभू धर्मगुरु नारायण साकार हरि ने पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बयान दिया। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में सूरजपाल जाटव ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। सूरजपाल ने हाथरस हादसे के पीछे साजिश का शक भी दोहराया है। आप भी सुनिए।
धोनी को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले ही कोई आगे पीछे हो। जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैले स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। ABP News आपको रखे आगे।